ये F-15 फाइटर जेट सिर्फ एक विंग के साथ लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, मगर इसका दूसरा पंख टूटा कैसे और क्या ये सेफली लैंड कर पाएगा या नहीं, आइए देखते हैं। लेकिन प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। खैर, ये घटना 1983 की है, जब एक इजरायली पायलट ने अपने विमान को सिर्फ एक विंग के साथ उतार कर असंभव को संभव कर दिखाया। जी हां गाइस, ट्रेनिंग अभ्यास के दौरान एक A-4 स्काई हॉक जेट उसके राइट विंग से टकराया, जिससे वो पंख धड़ से अलग हो गया और विमान अनियंत्रित होकर हवा में नाचने लगा। हालांकि इधर उसका ट्रेनर लगातार उसे इजेक्ट करने के लिए कह रहा था, बावजूद इसके पायलट ने ऑर्डर्स ना मानते वे विमान को स्टेबलाइज करने के लिए आफ्टर बर्नर्स को शुरू कर रफ्तार बढ़ा दी, जिससे विमान का घूमना तो रुक गया मगर लैंडिंग स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जिसमें अगर कमी की गई तो एयरक्राफ्ट फिर से घूमना शुरू कर देगा। इसका मतलब ना चाहते हुए भी लैंड तो इसी स्पीड पर करना पड़ेगा। खैर, लैंडिंग के दौरान जैसे ही विमान ने अरेस्टिंग केबल्स को पकड़ा तो टेल हुक खींचकर टूट गई, मगर कैसे भी पायलट एयरक्राफ्ट को रनवे के अंत से 6 मीटर पहले रोकने में कामयाब रहा।